बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नादरीन। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ, और एक ख्वाब जो देखा है मारूफ लाहौर की रूहानी शख्सियत है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग ने। ये सारी तफसील लेकर आज हम एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नादरीन, शहबाज शरीफ वजीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन उनकी हकूमत एक डायनामेट, एक बारूदी सुरंग या एक टाइम बम पर बैठी हुई है जो टक 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 कर रहा है और किसी भी वक्त फट सकता है। इस हवाले से लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब ने शहबाज शरीफ के दूसरी बार वजीर आज़म मुंतखब होने से 8 दिन पहले एक दिलचस्प ख्वाब देखा। इस ख्वाब की दिलचस्प ताबीर खुद उन्होंने पिछले दिनों बयान कर दी है, जो YouTube चैनल सियासी लोग पर 8 रोज पहले अपलोड हुई है। ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और कुछ ताबीर इस ख्वाब की बाबा जी दाता दरबार वालों ने बयान की है। ये दोनों ताबीरें और जो असल ख्वाब है वो दोनों हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके साथ साथ ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उनकी खरी खरी बातें और मासूमाना सवालात भी आपके साथ आज शेयर करेंगे, जो उन्होंने इसी नए YouTube चैनल सियासी लोग के एंकर पर्सन चौधरी बिलावल हुसैन के टॉक शो में अपने ख्वाबों के हवाले से मशहूर लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब से पूछे हैं। आज ही की वीडियो में नाज़रीन वो बड़ा मासूमाना सवाल भी शामिल है कि फौज और इमरान खान के दरमियान सुलह कब हो रही है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बड़ा मासूमाना सवाल जो पूछा है चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने और जवाब दिया है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग ने। और इसीलिए हमने इस वीडियो पर जो उन्होंने अपलोड की थी 8 रोज पहले, आज की ये वीडियो तैयार करने का फैसला किया और बाबा जी दाता दरबार वालों को ये तमाम ख्वाब भी सुनाए और उनकी राय भी ली, और ये सब कुछ जमा करके तमाम दिलचस्प तबसरे और फिक्र अंगेज गुफ्तगू लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के दौरान हाजी मिर्ज़ा हसन बेग से इस्तखारा भी करवाया गया, ऑनलाइन इस्तखारा, और फिर इसका जवाब सुनकर PDM2 सरकार के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, जो बयान किया है हाजी मिर्ज़ा हसन बेग ने, क्योंकि ये वक्त अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा जो इस्तखारे में रिजल्ट आया है। नाज़रीन, चौधरी गुलाम हुसैन साहब का सवाल और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब का ऑनलाइन इस्तखारा और जवाब खुद उन्हीं की ज़ुबानी आज आपकी इस वीडियो में हम सुनवाएंगे। ये एक नया फॉर्मेट है, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको पसंद आएगा। आपने अपने तबसरे में इस एक्सक्लूसिव वीडियो की जो दिलचस्प तफसील है उस पर ज़रूर कमेंट्स करने हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये तफसीलात शेयर करने से पहले नाज़रीन हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं और बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात उनकी पेशगोइयों पर मुश्तमिल ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से उलझन न रह जाए। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इस टॉक शो के नौजवान एंकर चौधरी बिलावल हुसैन के एक अहम मासूमाना सवाल से, और इसके जवाब में हाजी मिर्ज़ा हसन बेग ने जो फरमाया इस दिलचस्प और चौंका देने वाले मामले से कि ख्वाब में उन्होंने क्या देखा और फिर ये कि इसकी ताबीर क्या है, आइए देखते हैं। तो अब शबाशी साहब दोबारा से वजीर आज़म बन गए हैं, तो ये कितने दिन हुकूमत चलेगी, क्या देखते हैं आप? देखिए बेटा, मैंने जो परसों की बात है, परसों देखा था कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनते देखा था, परसों की बात है। लेकिन ऐसे ही था कि जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, जहाँ पे अपना शहबाज शरीफ साहब ही जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो आमल बंदे के पास बैठने वाला बंदा होगा उसको कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ बैठे हैं तो खाना आ गया, खाना खाते हुए ही बीच में भगदड़ मच गई और लोग चले गए। तो इसका मतलब हुकूमत बहुत थोड़ा अरसा चलेगी, इसके जो ताबीर है यानी थोड़ा अरसा चलेगी, ठीक है जी भाई। अब उसमें मैं ये नहीं बताता हूँ कि वो 2 महीने चले, वो 3 महीने चले, वो 4 महीने चले, ठीक है जी भाई जी। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का है कि मियाँ साहब
ने पहले 16 महीने के अंदर जो गरीबों को रुलाया है और फिर दोबारा वही आ गया। इस चीज़ को तो वो गरीब आज भी समझते हैं यार। 18 रुपए यूनिट था बिजली का जिस टाइम आए थे मियाँ साहब, जब महंगाई का नारा लगा के आए थे, उसने कहा मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, ठीक है नहीं बात नहीं। वो कपड़े पता नहीं कहाँ पे, वो किसी पोस्टमैन की किसी की वो नहीं, वो खरीद के नहीं ना गया। आज 50 रुपए का बिजली का यूनिट हो गया ना, वो 56 रुपए है जी बिल्कुल। 56 रुपए बिजली का यूनिट है और सुई गैस का बिल इन्होंने 68% बढ़ाया अभी, ठीक है नहीं बात जी। पेट्रोल इन्होंने 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गया, 149 रुपए से 350 रुपए है, ठीक है नहीं बात जी। और मुर्गी जो है ना गरीब आदमी के लिए, अपने मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए ब्रायलर मुर्गी जो है ना वो इतनी वो है कि अभी ये आए नहीं तो 10 रुपए कल भी रेट बढ़ गया मुर्गी का, ठीक है नहीं बात जी। तो उसका भी रेट 270 रुपए से लेके 850 रुपए तक बिक रही है, 850 तक कम नहीं हुई, कभी 700 होगी, कभी 600 होगी, 650 होगी, इसी रेट में है। तो गरीब आदमी के ऊपर जितना जुर्म हुआ है उसको तो खुदा ही उसका इनसे हाल पूछेगा। बंदों को तो इस टाइम पूछने की फुर्सत ही नहीं, वो अपनी रोटी में लगे हुए थे। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया कि इस ख्वाब का अहवाल और जो ताबीर हाजी साहब ने बयान की है, लेकिन एक इशारा इस ख्वाब के हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी किया है और आप भी यकीनी तौर पर इससे इत्तफाक करेंगे कि ख्वाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आज़म दूसरे दौरे हुकूमत को भी खाने पीने की एक दावत की सूरत में दिखाया गया, और जिसका एक मतलब या एक ताबीर ये भी है कि ये टोला इस नए दौरे हुकूमत को भी बस अपने खाने पीने और दावत उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, ये दिलचस्प ताबीर बयान की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने और फरमाया है कि उनकी ये नई लूट मार अभी दरमियान में ही होगी, यानी अभी मुकम्मल नहीं हुई होगी, यानी अधूरी होगी, कि इसका पीरियड अचानक ख़त्म हो जाएगा जैसा कि ख्वाब का मंजर बता रहा है। अभी दावत जारी थी कि अचानक अफरा तफरी हुई और खाने पीने का सारा सिलसिला दरमियान में ही उलट पुलट हो गया, जैसा कि आप अभी आपने ख्वाब की में सुना। नाज़रीन, अब दूसरे अहम तरीन सवाल की तरफ आते हैं कि इमरान खान और फौज के दरमियान सुलह कब हो रही है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बड़ा सवाल। इस हवाले से नाज़रीन, इम्पोर्टेड टू सरकार के अरसा इकतदार का इन्हसार है इसी सवाल पर कि ये कितने माह या कितने सालों का होगा, क्योंकि जब जिस रोज़ इमरान खान और फौज में सुलह होगी उस रोज़ ही ये जाली हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इंतहाई तफसील के साथ मासूमाना सवाल दागा। इस सवाल का जवाब भी हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब ने तफसील के साथ दिया है, लेकिन बड़ा दो टोक जवाब है, आइए सुनते हैं। जी नाज़रीन, हाजी हसन बेग साहब माफ़ करना, मेरा तो वो सीधा सवाल है जी। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई कहते हैं कि हमारी फौज से लड़ाई नहीं है जी। हाँ, कौम ये सुनना चाहती है कि फौज की तरफ से या ऐलान हो या दोनों की तरफ से कि इमरान खान और पीटीआई के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जो सियासत में आवाम की कुव्वत से आएगा हम उसके साथ काम करेंगे। और यही पीटीआई कहे कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के फौज की सारी क्यादत, उनके साथ हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, वो मुल्क का दफा के ज़िम्मेदार हैं, हम आवाम की खिदमत करने हैं उनके वोटों से। आप ज़रा थोड़ा सा वक्फा कर लें, इस पर अभी इस्तखारा करना है, जिस पर आप कौम को बताएं कि फलां डेट तक फौज और पीटीआई जो सबसे बड़ी कुव्वत है, जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की 80-90% कौम है, वो किस वक्त हाथों में हाथ डाल के माल रोड पर या शहदा के मज़ारों पर खड़े नज़र आएंगे, इसका आपने जवाब देना है। एक थोड़ा सा सोच के दो जो टोक आज लोगों को, कौम को कोई उम्मीद दिखाएं और जवाब दें। देखिए चो साहब, जो मैं अभी थोड़ा सा अल्लाह से इल्तजा की है और उन्होंने जो मेरे को दिखाया है, बल 15 अगस्त नहीं निकलेगी, 15 अगस्त से पहले पहले ही कोई ना कोई अल्लाह तआला रहमत कर देगा। आमीन। रही बात जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की, फौज की, कि फौज और इमरान खान, यानी इलेक्शन के दिनों तक 90% आवाम इमरान खान के साथ थी, बिल्कुल, और अब 96% आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ और बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए
कि क्योंकि अवाम को पता लग गया कि हमारे वोट पड़ने के बाद भी हमारे साथ क्या हुआ, हमारे वोट की अहमियत कोई नहीं है। स्टेबलिशमेंट को भी इस चीज़ का पता है और स्टेबलिशमेंट बेशक किसी मजबूरी की वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा रही, लेकिन उसको पता लग गया है। नाज़रीन, आपने इस्तखारे का जवाब सुन लिया कि 5.5 माह से पहले पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचने वाली सियासी डेवलपमेंट के नरवे में आने वाली है और फौज और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है इसका ऊंट किसी करवट बैठ चुका होगा 15 अगस्त 2024 से पहले पहले। तो नाज़रीन, आइए अब सुनते हैं इस अहम तरीन इंटरव्यू के मजीद मासूमाना सवाल और उनके हवाले से हाजी मिर्जा हसन बेग के दिलचस्प जवाब। जी नाज़रीन, जो 3 केसों में सजा हुई लगातार 3 दिन और 3 दिन जैसे लगातार मैंने उनको देखा उभर रहे हैं, उन 3 दिन की सजा की वजह से अगर इमरान खान साहब के 80% वोट था तो 90% वोट हुआ है, क्योंकि लोगों में जज्बा पैदा हुआ कि एक बंदे को नाजायज जो है ना इतनी सजा भी दी जा रही है, कैद में भी रखा जा रहा और इलेक्शन भी यानी उसको जो है ना यानी बन के इलेक्शन करा रहे हैं। जो इनकी अल्लाह ताला के फजल से जो इनकी रहनुमाई होती है उसी को बात को करते हैं। अब उसमें वक्त का तयन जो है वो बात एक दिन में 1 घंटे में एक चीज़ हो जाती है, कुछ 1 हफ्ते में हो जाती है, कोई 1 महीने में हो जाती है, कोई इससे भी ज़्यादा, किसी को साल भी लग जाता है। जी तो वो उसके ऊपर तो हम नहीं कहते, लेकिन 3 चीज़ें जो इन्होंने कही प्राइवेटली भी और रिकॉर्ड पर भी वक्तन फक्तन कहा कि एक इमरान खान के पास पूरा पाकिस्तान उसके साथ है क्योंकि अल्लाह पाक का फजल उस पर है, यानी ऊपर से एक फजल उतरा है तो उसने पाकिस्तानी कौम को उसके साथ खड़ा कर दिया है। तो इन्होंने उसके साथ जो मुजालम किए, उसको कोशिश की कत्ल कराया, कितनी गोलियां लग गई, कभी वहाँ के सीट रहे हैं उसको हाईकोर्ट के अंदर, कभी उसके घर के अंदर जो हरकतें की और लाखों गोलियां बरसा दी उसके घर और फिर घर को तोड़ के अंदर यानी वगैरह वगैरह, तो वो फिर बिल आखिर उनको सजा दे के वहाँ बंद कर दिया है। पहले 1 केस में की हुई थी, फिर 2 में कर दी, फिर 3 में कर दी, फिर 4 में कर दी, ये तो इनका हरकतें हैं। लेकिन 2 बातें जो हसन बेग साहब ने कही कि इलेक्शन अगर होते हैं, पहले तो मैं देख नहीं रहा, पिछली दफ़ा हमने जब बात की थी, अगर होते हैं तो कौम अपना आप दिखाएगी और इमरान खान के साथ खड़ी होगी और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी खवातीन और इतने नौजवान वोट निकले हैं इमरान खान की हमायत में कि दुआई रब की, और ये देखते रह गए हैं, सब के जलीलो ख्वार हुए हैं लोगों के हाथों, और धांधली के अलावा इनके पास अब धांधला चल रहा है, धांधली भी बड़ा छोटा लफ्ज़ है। अब आप 3 चीज़ों का जवाब दें, आपकी अपनी मतलब अंदाजे में इमरान खान साहब कब तक अडियाला या जिस भी जेल में है वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ रवाना होते हैं बरी होके, 1 नंबर 2 फौज और अवाम इकट्ठे कब खड़े होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आम जो तासर है कि ये जो PDM है, ये शहबाज शरीफ है, ये जरदारी है, दूसरा चौथा है, ये फौज की इमरान खान से जो जंग या लड़ाई या उन आमने सामने या एक इत्तेजाद है उसका फ़ायदा उठा के तो मुल्क को तकसीम और तबाह करा रहे हैं। जब तक फौज और इमरान खान एक जगह नहीं खड़े होते उस वक़्त तक ये मामला सुलझता नज़र नहीं आता, इसमें आप कब देखते हैं। और कुछ लोग हमें इन हिंदुस्तान से जंग पर भी डरा रहे हैं, तो पहले इन इमरान खान की रिहाई कब हो रही है, वो वज़ीर आज़म कब बनेंगे, और फौज और इमरान खान और अवाम इकट्ठे किस एक ही वक्त शहदा के मज़ारों पर फातह खानी करने कब जाएंगे, पहले ये 3 सवालों के कल हैं, अगर ये क्लियर है तो। जहाँ तक तो जंग की बात है, जंग तो ना पाकिस्तान की किसी के साथ होगी और ना किसी ने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, ये तो अपना वक्त गुजारने के लिए, जैसे ईरान के ऊपर भी वो थोड़ा झटका सा हुआ तो वो भी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए किया था कि इलेक्शनों की तारीख देने के बाद भी ये सोचते थे कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर कभी जंग करनी है, क्योंकि ईरान के हुक्मरान ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर जंग करेंगे, ठीक है नहीं बात जी।
वो किसी तरीके की, वो तो इन्होंने एक छेड़छाड़ की थी ताकि लोगों के जहन के अंदर खौफ फैल जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, किसी को कोई खौफ नहीं हुआ है। मेरे को अभी जो परसों ही मेरे पास मिल के मेरे मोहल्लेदार और मेरे मिलने वाले जो नून लीग के बंदे आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि जी आपने वोट किसको दिया। मैंने कहा मैं इमरान खान को वोट दिया और दुआ को भी मुल्क के मुखलिस आदमियों के लिए। तो वो कहने लगे मिर्जा साहब आप देख लो, अब हम इख्तदार में भी आ गए और फिर भी आप कह रहे कि मतलब कि आपने वोट इमरान। मैंने कहा बिल्कुल मैंने दिया, मैं कब कहता हूँ। मैंने कहा इमरान खान मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम तो मेरे पास घर पे बैठे हो, चलो दोस्त नहीं मोहल्लेदार तो हो ना, लेकिन इमरान खान के साथ ना मोहल्लेदारी है ना वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने हक की वजह से वोट दिया कि मेरा वोट मैंने उस बंदे को देना जो बंदा हक के ऊपर है, ठीक है नहीं बात जी। और भी अगर मेरे से चार बंदों ने पूछा किसी ने ये मिर्जा साहब वोट किसको दें, मैंने कहा मैं इमरान खान को कहा है, मैंने किसी और को नहीं कहा है। हालांकि मैंने कहा रफीक ताड का यहाँ दफ्तर मेरे पास था, घर के पास था, मैं वहाँ से कई दफ़ा गुजरता था, लेकिन मैंने कभी उनके बिरयानी का एक चावल ताड़ का मैंने कहा मैं एक चावल भी खाना उनकी बिरयानी का हराम समझता हूँ, मैंने नहीं खाया। आप हमारे लिए भेज देते जी? वो नहीं जी, उनका चावल मैं आपको अपने पास से भेजता हूँ, जितना आपने कहा 10 देके भेज देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। रही बात खान साहब के छूटने की, देखे खान साहब ने छूटना है, कुछ नहीं होता है। खान साहब अब भी छूटा हुआ इनके कागजों पे, लेकिन वो इनके जहन के अंदर खौफ यही है कि अगर वो छूट गया तो हमारा क्या बनेगा, तेरा की बनेगा कागज। हाँ क्या ये गल है, और कोई बात नहीं है। इमरान खान के साथ अब स्टेब्लिशमेंट की या निगरान तो खैर बेचारे चले जाएंगे, अल्लाह तआला उनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ठीक है नहीं, अल्लाह उनको खैर से रखे। अब ये दूसरे भी निगरान ही आ रहे हैं ना, पता है मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अमेरिका 100 मुल्कों के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है अब भी, लेकिन ऐसी हुक्मरानी अमेरिका ने भी नहीं देखी होगी कि जहां पे इलेक्शन हो रहा हो उससे 12 घंटे पहले मीडिया, टेलीफोन और जो नेट सारा का सारा बंद हो गया, और वोटिंग होने के 24 घंटे बाद नेट खुला आपका। ये दुनिया की तारीख बता रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख नहीं बता रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीख ही कुछ दिन बड़ी छोटी सी तारीख है, ये तो मेरी उम्र से कम की है, बल्कि मेरे से बहुत यानी कम है, अल्लाह की जात का शुक्र है। लेकिन दुनिया की तारीख में मैंने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा है। और वो जारी पता उन्होंने धांधली करने के बाद भी कहते हैं हमारे साथ जाती हुई, धांधली करने के बावजूद भी कह रहा है कि हमारे साथ जाती हुई है, वाकई में हुई जाती है। देखो या तो किसी बंदे को बुलाना नहीं चाहिए, और अगर बुलाया तो उसके ऊपर अमल पूरा होना चाहिए, ठीक है नहीं। नवाज शरीफ साहब को वहां से बुलाया, उस शरीफ आदमी को ऐसी कोई सद्दा नहीं देता जी, तुझे उस शरीफ आदमी को जो है ना, जारी पता उसका नाम भी शरीफ है और वैसे भी वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो सियासत नहीं करता है ना उसको सियासत आती है, इसलिए वापस जा रहे हैं फिर नवाशी साहब जी। बेटा नवाशी साहब वापस जा रहे हैं, आया कब था, आया ही नहीं है, ठीक है नहीं बात जी। अब तो वो कह रहा कि मेरे को बुलाया क्यों था, ठीक है नहीं बात जी। अब हालांकि बुलाया किसने था भाई, किसी को तुमने ऑफर की होगी तो उसने तुम्हें बुलाया होगा ना, ठीक है नहीं बात जी। तो बहरहाल उस शरीफ आदमी को बुला के इन्होंने कुछ, तो वो पहले भी जरा जलील था क्योंकि उसके मोहल्ले में मस्जिद के अंदर नमाज नहीं, लोग पढ़ते वहां चोर चोर कह के निकाल देते शरीफ आदमी को, और फिर उसके बाद अगर यहां आ गया तो यहाँ आने के बाद भी उसको लोग जो है ना वो जनाब, अब वो कहता है कि मेरे को क्यों बुलाया भाई, बुलाया किसने, बाबा आया था तू अपने लालच के लिए, लेकिन शुक्र कर तेरी जान बच गई, वरना तेरा वही हाल होता जैसे शहबाज शरीफ साहब को 16 महीने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने ये 16 महीने बहुत मुश्किल के गुजारे हैं। इसका मतलब वो अपने आप वजीर आजम नहीं था, उसके पीछे कोई जो है ना कठपुतली थी जो उसको घुमा रही थी, उसको घुमाने में बड़ी तकलीफ हुई थी। और उसने राणा सनाउल्ला को फैसलाबाद के जलसे के अंदर कहा था, जब इस्तीफा देकर आया था वहाँ से, मतलब जब निकाला गया था वजीर आजम से, तो जब उसने आखिरी तकरीर में कहा था कि मैंने ऐसी ज़िंदगी में 16 महीने जैसे ये गुजारे ऐसे कभी नहीं गुजारे, तो उसके बाद उसने राणा सनाउल्ला को कहा था कि अब ये जो तेरे वोटर हैं यहाँ जलसे के अंदर, कहा था कि अब ये वोटर जो है ना तेरे ये बिरयानी पे नहीं चलेंगे, इनको सिरी पाए खिलाओ। तो इन्होंने सिरी पाए खिलाए नहीं, इनको वोट पड़े नहीं, तो लेकिन फिर इनको बेचारों को 36 घंटे जो है ना लोड शेडिंग करनी पड़ी, इंटरनेट की भी, मोबाइल की भी, हर चीज़ की वो करनी पड़ी।